नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे तो पहले कुंदन रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, तो वो टूट चुका है, अब दूसरी जगह चले गया और कल उसकी ओपनिंग है। तो आओ दिखाता हूँ कितना दूर है। तो यहाँ पर था कुंदन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि 5 साल के लीज पे था और जो कुंदन वालों ने बनाया वो तोड़ दिया गया है और जो पहले से बना था वो वैसे ही बना हुआ है। रेस्टोरेंट खाली होने के कारण यहाँ पे काफ़ी सूना पड़ गया है। इसी कारण मैं गांव भी चले गया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फोड़ी हो रही थी और दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़े दिन गांव घूम के आ जाता हूँ। और जहाँ पर शुक्र बाज़ार लगता है उसी के अपोजिट साइड में बन रहा है कुंदन रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स एंड बेकरी, और उसको लगभग 2 साल लग जाएंगे NH 309 के करीब। तो फिलहाल 1-2 साल के लिए उन्होंने फिर लीज पे ले रखा है कुंदन रेस्टोरेंट। तो आओ दिखाता हूँ आपको कुंदन रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स की दूरी पुराने कुंदन से। इधर है ध्यानी पेट्रोल पंप, इससे थोड़ा सा आगे जाकर। तो यहाँ पर था पुराना कुंदन, जो कि अब टूट चुका है क्योंकि यह लीज पे था। आप चलते हैं पीरू मदार के चौराहे की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड सा मिले बोर्ड मिलेगा ऊपर, जिस पर कि किलोमीटर की दूरी लिखी है। और इधर आगे है स्टेट बैंक, नैनीताल बैंक और ये आ गए शिव मंदिर, और ये पीरू मदार का चौराया। ये है पीरू मदार का चौराया। और थोड़ा सा आगे जाके वो दिख रहा है जो कुंदन का बोर्ड, दूर से ही दिख जाएगा आपको। ये है कुंदन का बोर्ड और यहीं पे है नया कुंदन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट स्वीट्स एंड बेकरी। काफ़ी लंबा चौड़ा रेस्टोरेंट, लगभग 1 एकड़ में बना हुआ कुंदन रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। और उसके नज़दीक है समुद्र का गार्डन, बारात घर।